अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली ख़ान यहाँ आज बरोज़ बुध 30 अगस्त 2023 यहाँ बलूचिस्तान में मकाम में मौजूद हूँ और हम लोग यहाँ से आज आगे बढ़ने लगे हैं क्रोमाइट की एक बेहतरीन माइनिंग साइट की तरफ। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगे और हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं जैसा कि ये तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं ये डबल डोर एक पिकअप है और रात जो हमने गुजारी है देखिएगा। इस वक्त मैं बलूचिस्तान में बसीमा, एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है, चारों तरफ पहाड़ आप देख सकते हैं, कच्चे मकानात चारों तरफ ये देख सकते हैं आप लोग। ये बसीमा का एक छोटा सा कस्बा है। रात हमने यहाँ स्टे किया और जो लोकल टेरिटरी है, जो लोकल एतबार से ये देख सकते हैं, रात गुजारी यहाँ पर इस जगह पर। और अभी सुबह सवेरे हम यहाँ से रवाना होने लगे इस गाड़ी पर, इंशाल्लाह क्रोमाइट के सुपर डिपॉज़िट का विज़िट करेंगे, आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे, मेरे साथ ही रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, फाइनली हम लोग अपनी वहाँ गाड़ी पीछे खड़ी करके यहाँ बाय वॉक इस क्रोमाइट के माइनिंग रिज़र्व पर पहुँच चुके हैं और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर काम किया गया था इस टनल में। ये देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का पानी आया, इस टनल को बंद किया। इसके अलावा एक टनल आप ये देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ अंदर जा रही है, एक यहाँ से लगाई हुई थी, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से यहाँ काम बंद पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में शदीद बारिशें आईं बलूचिस्तान में। उसके अलावा 2023 में अभी जुलाई के अंदर भी यहाँ ठीक ठाक बारिश हुई, जिसकी वजह से मुकम्मल स्ट्रक्चर यहाँ पर बारिशों ने इस रोड का ख़राब किया। अच्छा, ये आप देख सकते हैं सामने, इसके बैक साइड पर भी एक बहुत बड़ी क्रोमाइट की माइन है और एक माइन वो सामने। ये पूरा क्रोमाइट का एक रिज़र्व है और मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाजे तौर पे जो क्रोम के सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा यहाँ असल में हालात आपको पता है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों पहले जो मामलात यहाँ हुए थे वो देखिएगा किस तरफ। ये जो सामने वाले ये मिट्टी पड़ी, ये आप देख सकते हैं ये मेरे सामने नीचे वाला और एक नीचे वाली देखें ये टनल। ये सारी बारिशों के पानी ने इसको जो है कवर किया, दबा दिया। ये एक बहुत ही रिच एरिया है क्रोमाइट की माइनिंग साइट। यहाँ से इंशाल्लाह कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा गाड़ी का रास्ता मज़ीद आगे नहीं था, अभी हालिया बारिशों के अंदर ये एक नदी है छोटी सी, इसने सारे रास्ते को हमारे जो है ख़राब किया है। गाड़ी वहाँ ने पीछे लगा दी है और अब हम इस क्रोमाइट के बेस्ट रिज़र्व की तरफ बाय वॉक आगे बढ़ने लगे। ये आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे क्रोम के निशान, जा बजा तौर पे इस पहाड़ पर हर जानिब क्रोम के निशान मौजूद हैं। अच्छा, ये देखिएगा ये जो माइनिंग साइट है क्रोमाइट की हमारी, जिस पर आज हम इस वक्त मौजूद हैं, इसकी खसूसियत ये देखें, ये पहाड़ बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जस्ट इसके बाद ये सारा मैदानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एक मैदानी इलाका है, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं ये किसी ज़माने में डोज़र से ये रोड बनाए गए थे, उसके बाद 12-15 साल तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, हालात ख़राब थे जिसकी वजह से बारिशें आईं, ये तमाम तर सिस्टम जो है काफ़ी हद तक मुतासर हुआ, डिज़ास्टर हुआ यहाँ पर। ये देखिएगा, ये दिखाने का मकसद ये देखें इसके बाद मुकम्मल एक मैदानी एरिया है। अच्छा, ये देखिएगा, एक पुराने वक्तों में तकरीबन आज से 10-12 साल पहले ये टनल बनाई गई थी जिसको बारिश ने मुकम्मल कवर किया है। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में इस क्रोम को निकाला गया है इस माइनिंग एरिया से जहाँ आज मैं मौजूद हूँ। देखें इसके ऊपर, देखें ये टनल मौजूद है और एक ही आ गई नीचे, नीचे से भी एक टनल लगाई गई ना उस जगह से, वो वाली जगह से। तो ये देखिएगा मेरे सभी देखने वाले, ये क्रोम के जो हम माइनिंग साइट पर आए हुए हैं, देखें हालिया बारिशों में कुछ पानी अभी भी बारिश का यहाँ इस खड्डे में मौजूद है और इस जगह पर एक बहुत बड़ी क्रोमाइट की सिम हुआ करती थी जो कि इस पानी की वजह से अभी गायब हो गई है। ये सारा मलबा और मिट्टी इसके अंदर गई है जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट फ़िलहाल आर्जी तौर पर ब्लॉक हो गया है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल अभी यहाँ हम लोग जो क्रोमाइट के माइनिंग साइट पे आज विज़िट पर आए थे,
इंतहाई शदीद गर्मी के अचानक बाद देखें पहाड़ों का मौसम जो है पल भर में बदल जाता है। मौसलाधार यहाँ पे बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं तकरीबन 15 से 20 मिनट हुई, लेकिन ये देखिए आप उसका इफ़ेक्ट देखें किस कदर खूबसूरत मौसम बन गया है। मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए डालूं, इस वीडियो में मिक्स करके ये देखिएगा यहाँ का मौसम माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये देखें पहाड़ का नज़ारा,